हाय फ्रेंड्स, अभी हमने लैब में एक एक मशीन देखी और उसके यूटिलाइजेशन देखा। चलिए अब इसे थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं कि जो हमने बातें की हैं उसकी थ्योरी क्या होगी, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके पास कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी होनी चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, जैसा हमने चीज़ें समझा था वहाँ एक एक करके पार्ट्स पहले क्विकली समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉमन पार्ट्स देख लेते हैं मशीन टूल के। तो उसमें सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं वही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। हमने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, वहाँ क्या देखा था लैब में, हमने देखा था बेड। अब ये बेड क्या होता है आप ये जानते हैं, ये क्या है, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, जितने भी अदर कंपोनेंट है उसे होल्ड करके रखेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, या जो कुछ वाइब्रेशन उस मशीन पे आ रही होगी उसे एब्जॉर्व करेगा। तो ये सारी उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, या ये उसकी फीचर्स होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको इन फीचर्स को अटेन या अचीव करने के लिए क्या जरूरत है, किस मटेरियल की जरूरत है, तो आपको इसे अचीव करने के लिए ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं। देखिए, ग्रे कास्ट आयरन को प्रेफर करने का दो कारण है। दो कारण क्या है कि ग्रे कास्ट आयरन अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो एक तो उसकी डैम्पिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरा उसको जो मैन्युफैक्चरिंग या जो कास्टिंग किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन का, वो बहुत इजीली उससे कास्टिंग भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आप बेड बना रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक मैंने क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, तो ये जो लेथ का बेड था इसके लिए हमने मटेरियल यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमने क्या पढ़ा था, क्या यूज़ करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन दो कारणों से यूज़ किया जाता है, उसकी गुड डैम्पिंग क्वालिटी है, ये तो मैंने बताया था, साथ ही साथ जो आप बेड बनाते हैं, बेड को हम कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाते हैं, पढ़े थे कास्टिंग से, तो जो कास्टिंग की जाती है ग्रे कास्ट आयरन की वो काफ़ी ईजिली की जा सकती है, इस वजह से हम उसे जनरली ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप बेड बना रहे हैं या लेथ के बेड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा इसमें जब भी आप देखें, अगर ये मेरा लेथ का बेड है और इसमें मैं कुछ भी क्या कर रहा हूँ, ग्रूव्स बना रहा हूँ, तो जब मैं इसमें ग्रूव्स बनाऊँ यानी जब मैं इसमें कटिंग्स प्रोवाइड करूँ, तो इसका स्ट्रेंथ नहीं घटना चाहिए, इसके मटेरियल का स्ट्रेंथ नहीं घटना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें ऐसा डिज़ाइन करना है हमें इस बेड को कि इसका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो जब भी आप कभी लेथ के बेड को डिज़ाइन करते हैं, ये दोनों बातों का आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो लेथ का बेड है उसके कौन कौन से शेप होते हैं, इसका कौन सा शेप होगा। तो जैसे कि ये आप लेथ का बेड देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको एक ट्रे दिख रहा है, इसी को हम लोग ट्रे पढ़े थे, या जब हमने वर्कशॉप पे देखा था इसे, तो इसे हमने क्या कहा था, ट्रे। ट्रे का क्या फंक्शन होता है, ट्रे का फंक्शन होता है कि जो चिप्स प्रोड्यूस हो रही हैं मेटल कटिंग के दौरान उसे कलेक्ट करके रखना, तो ये वो काम करेगा। साथ ही साथ जब आपका कटिंग टूल ओवरहीट हो जाता है, यदि कटिंग टूल ओवरहीट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आप कूलेंट यूज करेंगे, कूलेंट यूज करेंगे तो वो कूलेंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, वो भी इस ट्रे के में कलेक्ट होता है, फिर हम लोग उसे रिसर्कुलेट करते हैं आफ्टर रिमूविंग द चिप्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये भी एक काम है। आप इस ट्रे इस बेड के डिज़ाइन को देखें, इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है इस बेड को कि इसमें जो भी हम रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ में कोई भी डिक्रीज नहीं होगा, मतलब आप इसमें कभी भी एक सडन क्रॉस सेक्शनल वेरिएशन नहीं दिखाएंगे। उससे क्या होता है, आपको पता है अगर आप सडन चेंज करेंगे तो उसमें से उसकी स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होगी, तो ये चीज़ें नहीं करना है। अच्छा, तो हम लोग के लिए प्रेफरेबल जो वो हो सक प्रेफरेबल क्रॉस सेक्शन हो सकता है वो कौन कौन से क्रॉस सेक्शन होता है, इसे ही देख लेते हैं। या तो हम लोग एक्स सेक्शन बना सकते हैं, आई सेक्शन, जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोग का पर्टिकुलर आई सेक्शन के दो हमने यूज़ किए हैं, ये देखिए ये आई सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई सेक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है इस बेड पे। तो हम लोग या तो उसे एक्स सेक्शन यूज़ करते हैं, या तो आई सेक्शन यूज़ करते हैं, या तो एच सेक्शन यूज़ करते हैं, ऐसा हम लोग का क्रॉस सेक्शन रहता है, किसका, लेथ बेड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक और कंपोनेंट हमने देखा था, क्या देखा था, जब भी हमें क्या करना होगा, टूल को मोशन में देना रहता है, तो टूल को मोशन देना है, तो आपको ये चीज पता है कि अगर हेडस्टॉक आपको याद होगा तो इसमें एक मेन स्पिंडल होता है, अब ये मेन स्पिंडल तो रोटेट करेगा,
ठीक है, लेकिन हमारे जो टूल रहता है या हमारा जो कैरियज है, उस कैरियज को हमको क्या कराना रहता है, हमारे टूल को हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना रहता है, टूल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देना रहता है, और हमारा जो मेन स्पिंडल है वो क्या होता है, रोटेट करता है। तो इस रेसिप्रोकेशन मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लीड स्क्रू। हम क्या करेंगे, इसे लीड स्क्रू और स्प्लिट नट लगा के इसको रोटेशन मोशन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा लीड स्क्रू क्या काम करता है, लीड स्क्रू हमारा जो रोटेशनल मोशन है उसको टूल को फीड कराता है, या कोई भी मूविंग पार्ट हो उसे फीड कराएगा पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बेड। ठीक है, ये हमारे मेन फंक्शन है लीड स्क्रू का। और हमने कुछ बातें और देखी थी, क्या देखी थी कि लीड स्क्रू को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो लीड स्क्रू के मटेरियल का अच्छा वियर स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो हम इस वजह से ब्रास यूज करते हैं। लेकिन ब्रास को कब तक यूज करते हैं, यदि उसका जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन 2 मीटर है, तो हम लोग ब्रास यूज करते हैं। नहीं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्टेनलेस स्टील यूज करना पड़ता है। यदि हमारे जो लेंथ है लीड स्क्रू का वो 2 to 10 मीटर है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर 2 से 10 मीटर, 2 मीटर तक लेंथ कोई बात नहीं लीड स्क्रू बियर कर सकता है ब्रास का, ठीक है, लेकिन 2 मीटर से अधिक अगर आप ब्रास का बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ब्रास एक सॉफ्ट मटेरियल है, अगर वो सॉफ्ट मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, जैसे ही लोड्स आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हॉगिंग या सैगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना वो लंबा होगा और मटेरियल सॉफ्ट है तो उसमें लोड आएगा तो वो क्या होते जाएगा, बेंड होते जाएगा, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 से जब अधिक लंबाई का हमारा लेथ का बेड होता है तो लीड स्क्रू को हम लोग थोड़े से रिजिड मटेरियल से बनाते हैं, यानी स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। इस वजह से हम लोग ने पढ़ा था, या कल भी मैंने आपको मैंने समझाया था कि वो 2 to 10 मीटर जो होगा वो हम लोग स्टेनलेस स्टील से बना देंगे। लेकिन अगर इससे भी बड़ा लेंथ है तो वहां पे फिर से आप जितना लंबा स्टेनलेस स्टील करेंगे, ठीक है उसकी रिजिडिटी है, लेकिन फिर से जितना लंबा कैंटिलीवर टाइप का वो बनेगा, और उससे क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर कैंटिलीवर ना भी बना तो सिंपली सपोर्टेड भी अगर बोलोगे कि सर दोनों तरफ हम सपोर्ट लगा देते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा सा आप यूज कर रहे हो लीड स्क्रू और इसमें कोई सा भी लोड लगाओगे तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग की दिक्कत तो हमेशा होगी। ठीक है, तो इसलिए एक सर्टन हाइट के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना जो मटेरियल है उसे चेंज करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करें या तो हमारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, इस वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अगर वो 10 मीटर से ऊपर है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, 10 मीटर से ऊपर है तो हमें उसमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपका दिक्कत ये है कि एक्यूरेसी जो आपको मिलेगी ट्रांसमिशन की वो कम मिलेगी। ठीक है, वहां आपको थोड़ा एक्यूरेसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए कुछ और कॉम्पोनेंट देखते हैं, ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में है कि जो हमारा लीड स्क्रू होता है वो किस चीज से बना रहता है, तो लीड स्क्रू को या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या है, तो थ्रेड रोलिंग टेक्निक से हम लोग क्या बनाते हैं, या थ्रेड मशीनिंग से हम इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, और जो लीड स्क्रू का शेप होता है तो वो शेप कितना कैसा होता है, या तो वो स्क्वायर थ्रेड, हम लोग जनरली स्क्वायर थ्रेड को प्रेफर करते हैं। क्यों स्क्वायर थ्रेड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर थ्रेड है तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, इस वजह से हम लोग पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम लोग उसे स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं। नहीं तो हम लोग बटरेस और एक्मे थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। एक्मे थ्रेड के बीच का जो एंगल होता है, कोन एंगल, वो कितना होता है, 29 डिग्री होता है। चलिए एक बार सारे थ्रेड्स जो हैं उनके एक ओवरव्यू देख लें, तो ये आपका मैट्रिक थ्रेड है, फर्स्ट वाला ये मैट्रिक थ्रेड है, ये आपका स्क्वायर थ्रेड है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका एक्मे थ्रेड है, इसका एंगल आपका 29 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए ये जो आइडियल होता है, जब भी आप पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन के लिए कोई अगर पूछे आइडियल स्क्रू कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा थ्रेड होगा पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो जवाब होता है स्क्वायर थ्रेड। क्यों, उसकी पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्मे थ्रेड। यही चीज यहां पर भी आपको समझ आ रहा होगा फिगर देख के। ठीक है, बटरेस थ्रेड जो है इसकी खासियत यह है ये कि दोनों तरफ से डबल साइड से इसे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और कंपोनेंट्स को देख लेते हैं।
दूसरा जो कंपोनेंट हम देखने जा रहे हैं इसके बाद, ये है हमारा गाइडवेज। क्या है ये गाइडवेज? अगर ये गाइडवेज अगर हम देख रहे हैं तो गाइडवेज कर क्या रहा है? देखिए, ये आपको ग्रूव्स दिख रही है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके इसके ऊपर क्या आएगा? देखिए, सबसे नीचे तो आपका बेड हुआ, बेड के ऊपर आपका ट्रे हुआ, ट्रे के ऊपर आपने क्या देखा था? गाइडवेज होंगे। अब ये गाइडवेज में क्या होता है, देखिए गाइडवेज का खासियत ये है कि ये जो भी आपके मूविंग पार्ट होंगे, जैसे कि कैरिएज है, कैरिएज क्या करता है? टूल को लेके जाता है, टूल को ट्रांसलेट मोशन कराता है। तो टूल को ट्रांसलेट मोशन कराने के लिए कोई तो कोई रेस चाहिए, तो वो रेस कौन प्रोवाइड करता है, वो जगह कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका गाइडवेज। ठीक है, तो गाइडवेज का यही फंक्शन होता है। अच्छा, अब ये भी समझ के देखते हैं कि गाइडवेज को कैसे बनाया जाता है। गाइडवेज का जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जिसमें आपको लोकलाइज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रहता है, वो हम लोग करते हैं फ्लेम हार्डनिंग से। कैसे करते हैं हम लोग उसे? फ्लेम हार्डनिंग टेक्निक से हम उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आया कि जो गाइडवेज होता है उसमें हम लोग लास्ट स्टेज होता है हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है? व्हाट इज हार्डनेस? दैट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस स्क्रैच, इसे कहते हैं हार्डनेस। अब आप समझिए कि एक आपके पास ग्रूव है जिसके ऊपर आप क्या है, कंटिन्यूअस किसी मटेरियल को या किसी मूविंग पार्ट को मूव करा रहे हैं, तो उसमें वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कुछ डिफ्यूज कराते हैं, या तो फ्लेम हार्डनिंग की मदद से उसकी जो स्ट्रेंथ है, सरफेस हार्डनेस है, उसे क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज केस हार्डनिंग का तरीका है। केस हार्डनिंग में क्या होता है कि सिर्फ आप सरफेस को हार्ड करते हैं, जबकि उसका जो कोर है वो अभी भी क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है एज कंपेयर टू इट्स सरफेस। ठीक है, और इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, इसमें कार्बन स्टील हम लोग जनरली एज अ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये गाइडवेज है इसकी शेप क्या होती है, देखिए ये जो शेप आपको दिख रहा है ये आपका रेक्टेंगल शेप है। अब रेक्टेंगल शेप में आप देखिए, ये जो आपको जगह मिल रही है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिल रही है। मतलब जब दो चीज के क्या होगा, दो चीज की आप असेंबली कर रहेंगे, ये मान लीजिए मूविंग पार्ट है, तो अगर ये एरिया ज्यादा है, ठीक है, ये एरिया ज्यादा है, तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे कि ये फिंगर्स के बीच में देखिए, ये आपको एक वी शेप दिखेगा। वी शेप में मोशन जो है वो ऑटोमेटिक होगा। ऑलवेज वी शेप का एडवांटेज ये होता है कि यहां पर आपको इसको सेंटर पे लाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेंटर पे रहेगा। लेकिन यहां पर जो बियरिंग एरिया है, जो एरिया इस लोड को कैरी करेगा, वो क्या है, कम होता है। ठीक है, तो वी शेप में एरिया का प्रॉब्लम था और रेक्टेंगुलर शेप में क्या था, अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों को मिला के एक नया शेप बनाया, और उसे हम लोग कहते हैं डवटेल शेप। तो ठीक है, तीन स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमने को ये याद रखना है कि हम लोग गाइडवेज जो होगा उसे हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का बना सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का खासियत क्या है, बियरिंग एरिया ज्यादा होता है, यानी फोर्स जब आएगा तो ये अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप दो प्लेट्स को मैच करवाओगे तो वहां अलाइनमेंट की दिक्कत आएगी। ऑन द अदर हैंड, आप अगर दूसरा वाला देखें, वो क्या है, वी शेप है। वी शेप में क्या है, वी शेप में अलाइनमेंट की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वहां स्टेबिलिटी की दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिला के एक नया शेप बनाया, उसे हमने क्या कहा, डवटेल शेप। इसमें क्या है, इसमें दोनों की एडवांटेज है, अलाइनमेंट भी है और प्रॉपर ऑटोमेटिक अलाइनमेंट भी है, और क्या है, बेयरिंग एरिया भी इसका ज्यादा होता है। आप इस वाले फिगर से इस चीज को नोटिस भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपका क्या होगा, शेप होगा किसका, आपके गाइडवेज का। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे बताया था ड्राइविंग यूनिट होना चाहिए, तो ड्राइविंग यूनिट में पहले क्या यूज करते थे, आईसी इंजन यूज करते थे। आईसी इंजन के साथ दिक्कतें क्या होती थी, आईसी इंजन बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता था, और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होने की वजह से बैलेंसिंग की भी दिक्कत होती थी। वहीं बाद में जब इलेक्ट्रिक मोटर बन गया, तो इलेक्ट्रिक मोटर में ये दोनों ही प्रॉब्लम नहीं थी। पहली, नॉइस की कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक मोटर में, यहाँ कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी नहीं है। अगर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट भी नहीं है तो बैलेंसिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, रोटेटिंग पार्ट की वजह से थोड़ी बहुत तो अनबैलेंसिंग इसमें भी बचेगी। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू द आईसी इंजन इसके एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से आज जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं एज अ प्राइम मूवर। ठीक है, चलिए अब हम एक लेथ का
लाइन डायग्राम पूरा पूरा समझ लेते हैं और ये देखते हैं जो हमने लेथ देखा था वर्कशॉप में और वो लाइन डायग्राम में जो है वो कितना सिमिलर है और उसमें क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो हम बारीकी से लेथ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप मैं एक बार इसे समझा दूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करिएगा और पीछे जाके फिर से वो एग्जैक्ट लेथ देखिएगा कि क्या आपको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखा, हमने क्या देखा था, बेड देखा था, तो ये था इसका बेड। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें और दिखाया हुआ है, लेग। लेग का क्या काम है? लेग कुछ नहीं करेगा, जब आपने देखा था वहाँ पर एक सीमेंट का फाउंडेशन बना हुआ था, फाउंडेशन के ऊपर क्या थी, लेग थी, लेग के ऊपर क्या बनाया था उन्होंने, बेड बनाया हुआ था। तो ये क्या है, दो कॉलम से एक पे काम करते हैं और इस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, सारे स्ट्रक्चर का ये वेट लेने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लेथ का लेग है। लेग के ऊपर देखेंगे तो क्या है, आपका बेड है, ये आपका क्या है, बेड है। ठीक है, तो अगर आप बेड देखें तो बेड की क्या खासियत है, बेड बाकी सारे मेंबर्स को एकोमोडेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर के सारे मेंबर्स क्या हैं, बेड के अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये आपका बेड था और इसका अगर लेटरल व्यू हमने देखा था तो उसमें क्या मिलता है, आपको ट्रे भी देखने को मिल रहा था। अच्छा, उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, हेडस्टॉक कहलाता है। जो भी गियर्स होंगे, जो भी पुली सिस्टम होगा, जो भी पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम होगा, वो सारा का सारा किसके अंदर रहता है, इस हेडस्टॉक के अंदर रहता है। अब ये हेडस्टॉक के बाद एक चीज जो ये आपको दिख रही है, जिसके ऊपर आपका ये सेंटर्स अटैच्ड है, ये क्या होगा, मेन स्पिंडल होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर दो रॉड आपको दिख रही है, एक रॉड क्या है, ये है आपका फीड रॉड, है ना, जो आप फीड देते हैं, हॉरिजॉन्टल फीड या आप उसे रेडियल फीड देते हैं या एक्सियल फीड देते हैं, वो इस रॉड की मदद से होती है। तो दिस इज द फीड रॉड विच इज प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये आपका लीड स्क्रू है, जिसके बारे में हमने जस्ट कुछ सेकेंड पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका लीड स्क्रू है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका कैरिएज है, ये टोटल है कैरिएज, ये आउटर गाइड वेज में काम करता है और आप इसे रोटेट करके पूरे के पूरे टूल पोस्ट को क्या कर सकते हैं, है लेटरल मोशन दे सकते हैं। ठीक है, यानी पैरेलल टू द एक्सिस मोशन दे सकते हैं, आगे और पीछे ला सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसके कंपोनेंट्स को भी पूरे डिटेल्स में देखेंगे। अच्छा, यहां पर आपको दो सेंटर्स दिखाया था मैंने, ये क्या है, ये दिस इज कॉल्ड एज चक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, लाइव सेंटर, क्यों, क्योंकि इसमें रोटेशन पॉसिबल है। और ये क्या है, देखिए ये जो है टेलीस्टॉक कहते हैं इसे, इसे डेड सेंटर कहते हैं, क्यों, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप सिर्फ लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहां पर हमने दिखाया है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्यों यूज होता है, जब आप टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको कंपाउंड रेस्ट की मदद से कंपाउंड रेस्ट को आप टिल्ट करके क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड क्या करेगा, देखिए कैरिएज क्या करेगा टूल को, ऐसा अगर ये मैं मान लूं कि इधर मेरा पूरा पूरा लेथ है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन लेथ है, इस डायरेक्शन में ये पूरे लेथ का डायरेक्शन है, तो क्या होगा, जो आपका कैरिएज रहेगा वो इसे इस डायरेक्शन पे मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको मोशन इस डायरेक्शन पे चाहिए, ऐसा मोशन चाहिए, इस डायरेक्शन पे आपको मोशन चाहिए, तो इस डायरेक्शन का मोशन कौन सा प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड कराता है, तो इस डायरेक्शन का मोशन आपको क्रॉस स्लाइड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज और कोशिश करते हैं कि लेथ के स्पेसिफिकेशन को समझते हैं। ठीक है, कि हम लोग लेथ को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। देखिए, लेथ को अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो मैं आपका पहले इसके फीचर्स बता देता हूँ, फिर इसके स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा। देखिए, इसका जो फीचर्स होगा, पहला क्या होगा कि ये जो है, ये बेड से कितने हाइट पे है, इसके जो सेंटर्स हैं वो बेड से कितने हाइट पे इसके सेंटर्स हैं हमारे। ठीक है, ये इसका पहला स्पेसिफिकेशन होगा। दूसरा, कि आप कितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट इस पे रख के रोटेट करा सकते हो। ठीक है, वो उसका सेकंड स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कि यहां से लेके यहां तक, मतलब बिटवीन द सेंटर्स, इसकी डिस्टेंस क्या है। फोर्थ स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसका टोटल फोर्थ फीचर्स मुझे कहना चाहिए, पर्टिकुलरली फोर्थ फीचर क्या होगा, इसका टोटल लेंथ क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं केवल स्पेसिफिकेशन की बात करूं, लेथ के स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो ये लेथ को सिर्फ दो चीजों से स्पेसिफाई किया जाता है। पहला, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वर्क विच द लेथ कैन रोटेट, मतलब आप
जो लेथ में सबसे बड़ा साइज का या सबसे बड़ा डायमीटर का क्या ऑब्जेक्ट होगा जिसे आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और दूसरा दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है। यानी सिंपल शब्दों में समझाओ तो कितना बड़े डाया का ऑब्जेक्ट आप उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, और दूसरा कितना लंबा ऑब्जेक्ट आप इस पे एकोमोडेट कर सकते हैं, यही दो लेथ की स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, चलिए लेथ के हेडस्टॉक के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हेडस्टॉक था, मैंने बताया था सारा पावर ट्रांसमिशन का जो कंपोनेंट है, देखिए ये गियर्स हैं, यहाँ गियर्स आपको दिख सकता है, मोटर्स लगे हुए हैं, तो ये सीधा जो फीड गियर बॉक्स होंगे, ये सारी जो अरेंजमेंट है वो हेडस्टॉक पे ही होती है। ठीक है, हेडस्टॉक में और क्या क्या चीज मिलता है ये देखिए, ये चक दिख रहा है आपको, तो हेडस्टॉक में चक भी होता है। तो चक के क्या क्या टाइप होते हैं, थ्री जॉ चक होता है, फोर जॉ चक होता है। चलिए इसके कुछ कुछ जो एसेसरीज जो हम हेडस्टॉक पे लगा सकते हैं, ये वाला स्पिंडल आप हटा के यहाँ पर ये सारे अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं। कौन कौन से अटैचमेंट, आप इसमें थ्री जॉ चॉक, फोर जॉ चॉक अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लेथ के सेंटर्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेट चक अटैच कर सकते हैं, फेस प्लेट अटैच कर सकते हैं, मैग्नेटिक चक अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये थ्री जॉ फोर जॉ चक है, इसको हटा के फिर आप उसके बदले में लेथ सेंटर लगा दीजिए, या मैग्नेटिक चक लगा दीजिए, या फेस प्लेट लगा दीजिए, जैसा आपका ऑपरेशन होगा उस तरह से वर्क होल्डिंग डिवाइस, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, वर्क होल्डिंग डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एसेसरीज है। एसेसरीज क्यों, क्योंकि ये आप क्या करेंगे, लेथ के हेडस्टॉक पे माउंट करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए ये सारी चीजें क्या होंगी, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है। ये किसी ना किसी प्रकार से क्या कर रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क पीस को पकड़ के रख रही होंगी मशीनिंग कराने के लिए, ये वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का काम कर रही होंगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले फोर जो चक, फोर जो चक की खासियत क्या होती है, फोर जो चक ना आप कोई सा भी शेप लेके आइए, कोई सा भी एक शेप, इरेगुलर शेप लाइए, आप उसे फोर जो चक से क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है आपको एक की होल, वैसा ही एक की होल इधर भी होगा, और एक की होल इसके पीछे और एक नीचे भी होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप की के मदद से हर एक जो जॉ है उसे इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकते हैं, किसमें, फोर जॉ चक में। तो इसीलिए इसकी मदद से आप कोई भी इरेगुलर शेप को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या, थ्री जॉ चक। अब ये थ्री जॉ चक क्या होता है, इसे ऑटोमेटिक चक कहते हैं। क्यों, क्योंकि केवल इसमें एक की होल होगा और इसी के मदद से तीनों के तीनों जो आपके जॉज हैं, ये तीनों जॉज एक साथ अंदर की ओर आएंगे, और एक साथ अगर आप इसे ओपन करेंगे तो एक साथ ये बाहर की ओर जाएंगे। मतलब ये क्या है, एक साथ ऑपरेट करते हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कहते हैं। याद रखिएगा, जब आप थ्री जॉ चक यूज करते हैं तो वहां पर सेंटर करने की या सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का अटैचमेंट देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है कॉलेट चक। कॉलेट चक को जनरली तब यूज करते हैं यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को मशीन करना है और उसका डाया बहुत छोटा है, तो आप क्या है उसे जॉज में तो पकड़ सकते हैं, लेकिन सर्टन टाइप्स ऑफ लेथ में, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेथ में, जैसे कि कैप्स्टन लेथ हुआ, ठीक है, तो कैप्स्टन लेथ में आप क्या करेंगे, अगर आपको एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट पकड़ना है, समझ, जनरली अगर उसकी जो रेडियस है वो 6.3 सेंटीमीटर से कम, डाया 6.3 से कम है, तो आप क्या करेंगे, जनरली इसे इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक एक कॉलेट में होल्ड करेंगे, मतलब कॉलेट चक में इसे होल्ड करेंगे। कॉलेट चक देखिए ये छोटा सा डाया होगा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, वर्क पीस को एकोमोडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेट चक पर्टिकुलरली क्यों यूज किया जाता है, स्मॉल वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक और अटैचमेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ, वो क्या है, मैग्नेटिक चक। आज के डेट में मैग्नेटिक चक नहीं यूज किया जाता, क्यों, आज के डेट में नहीं, मैग्नेटिक चक को बहुत कम ही यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक चक में क्या होगा, मैग्नेट के मदद से आप किसी वर्क पीस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको ये पता है कि जब आप कटिंग ऑपरेशन करोगे तो वहां पर जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा फोर्स होगा, तो क्या वो मैग्नेट इतना सेल्फ सफिशियंट नहीं रहता कि वो आपका जो कटिंग फोर्स है उसे बियर कर सके, तो हमेशा उसमें क्या होगा, आपका जो वर्क ऑब्जेक्ट है या जॉब है वो क्या करेगा, वाइब्रेट होता रहेगा, या वो टूल के साथ चैंटिंग करना चालू कर देगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली इसे अवॉइड करते हैं। ये जो मैग्नेटिक
चक होता है, इसमें या तो आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज कर सकते हैं। आप इसका एक फिगर देख सकते हैं कि ये चक कैसा आपको दिखता है। एक और अटैचमेंट देख लेते हैं, वो क्या है, फेस प्लेट। अब ये मान लो आपको फेसिंग करना है, ठीक है, या फेसिंग क्या होता है, फेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, फेसिंग में हम लोग लेंथ को कम करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, एक इतने बड़े लेंथ का, ये लंबा लेंथ का ऑब्जेक्ट था, और इस लंबे लेंथ को ऑब्जेक्ट को आपको काटना है, आपको लेंथ कम करना है। तो क्या करोगे, आप इसे एक फेस प्लेट की मदद से होल्ड करोगे और फिर टूल को रेडियली फीड करोगे, जिसके मदद से आपका क्या हो गया, फेसिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो जनरली इसे इस टाइप के ऑपरेशंस के लिए हम लोग हेड स्टॉक में लगाते हैं, ठीक है। एक और है सेंटर लेथ, दिस आर यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्क ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन। जब आप टर्निंग कर रहे हैं तो लेथ सेंटर का जनरली यूज करा जाता है। दे ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर वर्क पीस। क्यों? क्योंकि जब आप टर्निंग कर रहे हैं तो वहां फोर्स इंड्यूस होगा, तो वो क्या करेंगे, उसे होल्ड करके भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है, वो है आपका फीड गियर बॉक्स। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये आप कहाँ देख सकते हैं, ये भी आप हेड स्टॉक पे देख सकते हैं, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है, अब गियर बॉक्स आपकी क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपने मोटर को स्टार्ट किया तो आपकी स्पीड जो होगी वो 1440 आरपीएम्स में वो रोटेट करना चालू कर देगा। अगर वो 1440 आरपीएम में रोटेट कर रहा है तो दिक्कत ये है, ये इतना हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है, अब मुझे लो स्पीड में काटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थ्रेड टर्निंग कर रहा हूँ तो मेरे को स्पीड चाहिए 5 RPM, तो ये किसकी मदद से पॉसिबल है, ये फीड गेयर बॉक्स जो आपका होता है, इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, लीड स्क्रू की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फीड गेयर बॉक्स आपको फीड रॉड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थ्रेड चेजिंग डायल, ये जनरली थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने मान लो एक बार थ्रेड काट दिया, ठीक है, मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ये आपका बार था, आपने इस पे थ्रेड की कटिंग कर दी, पहली बार आपने क्या किया, इसमें एक लाइन बनाया, थ्रेड आप धीरे धीरे काटते हैं, एक बार में आप जो थ्रेड का साइज है उसे ऑप्टेन नहीं करते, क्योंकि अगर आप एक बार में उसका साइज ऑप्टेन करने की कोशिश करोगे तो जो थ्रेड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो आप इसे मल्टीपल कट्स में काटते हो, तो आपको हर बार उसी पाथ को फॉलो करना रहता है। तो हर बार आप उसी पाथ को किसके मदद से फॉलो कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो थ्रेड चेजिंग डायल की मदद से। इसलिए थ्रेड चेजिंग डायल को हम लोग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो स्प्लिट नट है। देखिए, ये आप स्प्लिट नट देखिए, ये जनरली लीड स्क्रू के साथ अटैच रहता है, ठीक है, ताकि आप क्या करें, उसे अलोंग द ड्राइविंग लेंथ उसे मोशन दे सकें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कैरिएज। मैं कैरिएज को आपको एक समझा देता हूँ, इस पूरे पूरे फिगर को समझते हैं कि ये फिगर में है क्या। देखिए, बैट बैट के ऊपर एप्रन है, ठीक है, ये एप्रन कहलाता है। तो एप्रन किस में होता है, लेथ पे होता है। जनरली ये चीज पूछा जाता है, एप्रन क्या है, इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एप्रन के ऊपर क्या रहता है, देखिए ये क्या है, तो ये आपके गाइडवेज हैं, ये आपके गाइडवेज हैं, ठीक है, ये गाइडवेज हैं। और इसके ऊपर क्या है, सैडल। इसके ऊपर क्या है, सैडल। आपको ये अरेंजमेंट के लिए आता है, आपको इसलिए इसे याद रखना है कि किस सीक्वेंस में क्या चीज अरेंज्ड है। तो सबसे पहले एप्रन, एप्रन के ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर आपका क्या है, क्रॉस लाइड, क्रॉस लाइड के ऊपर है आपका कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्या है, आपका टूल पोस्ट। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आपको इस फिगर पे आपको ये सीक्वेंस देखना है। फिर से एक बार देखते हैं, तो सबसे पहले आपको दिखा एप्रन, एप्रन के बाद आप देख सकते हैं ये क्या है, सैडल, उसके ऊपर क्या रहता है, क्रॉस लाइड, और उसके ऊपर क्या माउंटेड रहता है, कंपाउंड रेस्ट, और सबसे ऊपर रहता है टूल पोस्ट। यानी मैं अगर आपको दिखाऊं और एक बार आपसे पूछूं तो आप शायद इसका जवाब भी दे दें। सबसे पहले आएगा एप्रन, एप्रन के ऊपर रहेगा आपका सैडल, सैडल के ऊपर रहेगा आपका क्रॉस लाइड, और क्रॉस लाइड के ऊपर आपका रहता है कंपाउंड रेस्ट, और सबसे ऊपर आपका क्या रहेगा, टूल पोस्ट। ये सीक्वेंस आप जरूर याद रख लें, एप्रन, उसके ऊपर सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस लाइड, क्रॉस लाइट के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, और फिर आपका टूल पोस्ट, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको यहां से देखनी है, ठीक। देखिए, जो कैरियज होता है उसका क्या फंक्शन है, कैरियज जनरली क्या करता है,
आउटर जो गाइडवेज है उसमें वो क्या करेगा, मोशन करेगा, और वो टूल को क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, कंपाउंड रेस्ट क्या करता है, ये कंपाउंड रेस्ट किस पे होगा, देखिए कंपाउंड रेस्ट कहाँ होता है, दे आर माउंटेड और पाइवेटेड, दे आर यूज टू एकोमोडेट द टूल पोस्ट। टूल पोस्ट जो रहता है वो किसके ऊपर रहता है, वो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर रहता है। अब देखिए जो जिसके ऊपर मोशन ले सकेगा उसके लिए, हर किसी के लिए इस फिगर में आपको एक गाइडवेज भी दिखता रहेगा कि अगर ये मोशन हो रहा है इस पे तो ये इसके लिए गाइडवेज डिफरेंट बार पे बना होगा। ठीक है, ये कंपाउंड रेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर मार्किंग रहती है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग के लिए इसे टिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है, आपका डेड सेंटर होता है, ये क्या करता है, जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट होते हैं उसे क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, और टेल स्टॉक ऑफसेट से ही हम लोग क्या करते हैं, टेपर टर्निंग का ऑपरेशन करते हैं, जो हम कमिंग सेशन में क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि टेल स्टॉक ऑफसेट कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं।